भोजपुरी स्टेटस नहीं बना रहे हो, प्लीज इस सॉन्ग पर स्टेटस बना दो भोजपुरी। दोस्तों आ गया है तुम्हारा भाई फिर से आपको आपके कमेंट पर स्टेटस लेकर। ठीक है दोस्तों, अगर इस वीडियो को बनाना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट देख हम आपको बताएंगे बहुत इजी स्टेप में कैसे कैसे क्या करना है, बहुत ही आसान है इस वीडियो को बनाना। दोस्तों अभी वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोग को यहाँ पर कमेंट पर भी आप लोग का स्टेटस मिलता है। ठीक है दोस्तों, और जो भाई अभी चैनल पर फर्स्ट एडिट कर रहे हैं प्लीज़ यार उन लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यार प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके एक बड़ा सा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको आज का स्टेटस कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, जैसे दोस्तों फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। मेरा तरीके है दोस्तों, इस वीडियो को बनाने के लिए आपके पास रहना चाहिए अलाइट मोशन। अगर आपके पास अलाइट मोशन नहीं है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल जाकर ले सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में रहेगा और टेलीग्राम चैनल का नाम है बिना स्टेटस टेक, आप जाकर सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम में, वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा मेरा चैनल। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए क्या करना है, यहाँ पर मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सॉन्ग बीट मार्क एंड से फिर आपको दो चीज़ मिल जाएगा, दोनों को इंपोर्ट कर लेना है और साथ में एक्सएमएल फाइल भी मिल जाता है नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ भी आप उसको भी यूज कर सकते हैं, जो आपको इच्छा करे आप यूज कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे अलाइट मोशन को ओपन करना है, अलाइट मोशन जैसे ओपन करेंगे तो प्रोजेक्ट को इंपोर्ट करे होंगे तो यहाँ पर भोजपुरी सर्टिफिकेट और भोजपुरी सॉन्ग बीट मार्क मिल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर सॉन्ग बीट मार्क पर क्लिक करते हैं, सॉन्ग बीट मार्क क्लिक करेंगे दोस्तों आपको इस प्रकार से आपको इंटरफेस नज़र मिलेगा। तो जहाँ पर यहाँ पर लिखा है नो फोटो तो यहाँ पर फोटो नहीं लगाना है, सिंपल तरीके से वहाँ पर क्या लगाना है मैं आपको बताऊँगा। पहले फर्स्ट में आकर प्लस वन क्लिक करना है, मिडेज जाकर ये सारा फोटो आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर, आप जाकर ले सकते हो। फोटो लेना है, थ्री एम क्लिक करना है ऊपर में यहाँ पे, और यहाँ पर जो फिर कुछ एरिया मिल रहा है इस पर क्लिक करके आगे वाला थ्री एम क्लिक कर बच्चों को भागकर से कट कर देंगे। फिर से प्लस वन क्लिक करके मीडियम जाके अदरवाइज उससे फोटो लेंगे, थ्री एम क्लिक करके फिर कुछ एरिया क्लिक करके बच्चों को भागकर से कट कर देंगे। इसी प्रकार से आपको दोस्तों सारे बिट के हिसाब से फोटो लगाना है, फोटो लेना है थ्री एम क्लिक करके फिर कुछ एरिया क्लिक करके आगे वाला ये जो आइकन दिख रहा है तीर वाला इस पर क्लिक करेगा तो आगे हो जाएगा और ये वाला आइकन से कट कर दीजिएगा। दोस्तों इस प्रकार से आपको सारे बिट के हिसाब से फोटो लगा लेना है, बस आपको जहाँ पर फोटो नहीं लगाना है यहाँ पर जो नो फोटो मिल रहा है यहाँ पर फोटो नहीं लगाना है। ठीक है दोस्तों, चलो दोस्तों फटाफट से इस फोटो को आप लगा लीजिए, उसके बाद हम आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप, नहीं तो मैं लगाता रहूँगा फोटो का तो लेंथ बहुत बड़ा हो जाएगा और वीडियो में आपको मज़ा नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, मैं फटाफट से पहले फोटो लगा के आता हूँ, उसके बाद आपको आगे प्रोसेस बताएंगे। ठीक है दोस्तों, आप वीडियो को दोस्तों लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है सो फाइनल दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं मैं सारे बिट के हिसाब से कुछ इस प्रकार से फोटो लगा चुका हूँ। दोस्तों इफेक्ट इस पहले हम लोग इफेक्ट लगाएंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा दोस्तों वीडियो कैसे लगाना है। और वीडियो में फ्लैश इफेक्ट आपको मिल रहा था, बहुत ही यूनिक लग रहा था। ठीक है दोस्तों, बैक करेंगे पहले और यहाँ पर सेकंड में जाएंगे दोस्तों, ये जो फर्स्ट वाला फोटो मिल रहा है किस प्रकार से इस पर क्लिक करना है, इफेक्ट को यहाँ पे कॉपी कर लेना है फर्स्ट वाला इफेक्ट को। फर्स्ट वाला इफेक्ट को कॉपी करने के बाद यहाँ पर देखिए सॉन्ग बीट मार्क में चले जाना जो अभी आपने फोटो लगाया, और दोस्तों इसको ऊपर के स्क्रॉल करें जो फर्स्ट में फोटो दिख रहा है इस पर क्लिक करना है, इफेक्ट को यहाँ पर पेस्ट पे कर देना है। ठीक है दोस्तों, पेस्ट पे करने के बाद इसका कलर भी चेंज होने लगेगा। और दोस्तों फिर से आपको वन लाइफ इफेक्ट लगाने के लिए 7.08 तक चले जाना है, यहाँ पर जैसे ही आएंगे 7.08 के बाद यहाँ पर देखेंगे तो बड़ा फोटो मिलेगा, इस पर क्लिक करके हम लोग को पेस्ट पे यहाँ पर भी कर देना है। ठीक है दोस्तों, पेस्ट पे करने के बाद आपको यहाँ पर सबसे पहले लास्ट में चले जाना है, एकदम लास्ट में जाने पर जो आपको लास्ट वाला फोटो मिल रहा है इस पर क्लिक करके हम लोग पेस्ट कर देंगे। तीन फोटो में यहाँ पर फाइनली ये जो वन लाइफ इफेक्ट है ये तीन फोटो में ऐड होने वाला जो हम लोग यूज कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बैक करके आपको सेकंड में चले जाना है, और दोस्तों यहाँ पर दूसरा इफेक्ट मिल रहा है इस पर क्लिक करके इफेक्ट को यहाँ पर कॉपी कर लेना है। इफेक्ट को कॉपी करने के बाद यहाँ पर सॉन्ग बीट मार्क में चले जाना है, और दोस्तों दूसरा इफेक्ट का लगाने के लिए यहाँ पे आ जाना है, यहाँ पर जो एक फोटो को छोड़ के यहाँ पे आ जाना है, ये 1.18 के बाद फोटो क्लिक करना है, इफेक्ट को यहाँ पे पेस्ट पे इस पर कर देना है, फिर से अगले फोटो क्लिक करना है, इफेक्ट को यहाँ पे भी पेस्ट पे कर देना है। दोस्तों इस प्रकार से आपको कितना तक करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है और दोस्तों यहाँ तक खत्म कर दें जो आपको यहाँ फोटो नहीं लगा है, वो मतलब 5.05 तक। ठीक है 5.05, ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हम कंप्लीट कर लीजिए। देख सकते हो मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं कंप्लीट कर लिया। दोस्तों ये वाला इफेक्ट है वो कैसा लगा मैं कमेंट करके दोस्तों क्यों जरूर बताइए, क्योंकि यार इफेक्ट बनाने में
बहुत ज़्यादा टाइम लगा आया था। तो दोस्तों आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि फिर आपको कैसे लगा हमें कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। और देखिए दोस्तों यहाँ तक देखिए यहाँ से स्टार्ट करना है छोटे छोटे यहाँ पर 1.18 से लेकर और यहाँ तक कंप्लीट कर देना है 5.05 तक। ठीक है, यहाँ पर दूसरा इफेक्ट जो काम है कंप्लीट हो चुका है उसको बैक करके आपको यहाँ पर सेकंड में चले जाना है। और जैसे यहाँ पर जो तीसरे फोर्ड में डाइस क्लिक करके फिर को यहाँ पर कॉपी कर लेना है। फिर कॉपी करने के बाद बैक करके आपको फिर से स्ट्रॉन्ग बीट मार्क में चले जाना है। और दोस्तों तीसरा इफेक्ट लगाने के लिए हम लोग को चले जाना है, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे तीसरा इफेक्ट लगाना 8.03 तक। ठीक है, 8.03, ठीक है, आपको देखना पड़ेगा कि 8.03 कहाँ है। जैसे यहाँ पर आएंगे जो वन लाइक इफेक्ट लगाने के बाद आपको यहाँ पर मिल रहा है 8.03। यहाँ से क्या करना है, फोटो लेना है, फोटो क्लिक करके इफेक्ट को यहाँ पर 3 क्लिक करके पेस्ट पर कर देना है। फिर से अगले फोटो क्लिक करना है इफेक्ट को यहाँ पर। इसी प्रकार से आपको दोस्तों कहाँ तक कंप्लीट कर लें मैं आपको बता देता हूँ। आप वीडियो को थोड़ा देख लीजिएगा ध्यान से। यहाँ पर देखिए 8.03 से आपको यहाँ पर 14.18 तक लगा लेना है, 14.18 तक। ठीक है, आप देखेंगे तो यहाँ पर फोटो नहीं लगेगा, यहाँ तक आपको लगा लेना जो यहाँ पर जो गैप मिल रहा है यहाँ तक आप 15% से कंप्लीट कर लीजिएगा। दोस्तों मैं यहाँ पर देख सकते हैं मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। ठीक है, दोस्तों कंप्लीट करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट काम है यहाँ पे तीसरा के बाद जो नंबर आता है यहाँ पर चौथा इफेक्ट, उसके बाद आपको पाँचवा इफेक्ट, उसके बाद वीडियो। ठीक है, तो 1, 2, 3 और यहाँ पे 4 वाला इफेक्ट मिला है कुछ प्रकार से। इस पर क्लिक करके इफेक्ट को यहाँ पे छोटे वाला फोटो को यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। ठीक है, कॉपी करने के बाद यहाँ पे सॉन्ग बीट मार्क में चले जाना। और दोस्तों यहाँ पे चौथा इफेक्ट लगाना बहुत ही आसान है। दोस्तों यहाँ पे देखिए वीडियो लास्ट तक यहाँ पे आ जाना। दोस्तों यहाँ पे 17.01 तक आने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा 4 फोटो। ठीक है, फोटो को लेकर इफेक्ट को यहाँ पर पेस्ट पैक कर देना। जो छोटे छोटे 4 फोटो आपको मिल रहे हैं वहाँ पर इसको पेस्ट करना है। ठीक है, जैसे जैसे मैं पेस्ट कर रहा हूँ दोस्तों आपको इस प्रकार से ही पेस्ट करना है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ टाइम भी बताता हूँ कितना कितना सेकंड तक लगाना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर 4 फोटो में बस एक 4 फोटो में ऐड करेगी आपको कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए छोटे छोटे यहाँ से 4 से यहाँ पर 17.26 तक लगा देना है। उसके बाद आपको लास्ट पेज बचा हुआ है सेकंड में जाना और लास्ट वाला जो फोटो मिलता है इस पर क्लिक करके इफेक्ट को यहाँ पर कॉपी कर लेना है। ठीक है, कॉपी इफेक्ट करने के बाद आप देखिए क्या करना है, यहाँ से बैक करके इफेक्ट को कॉपी करने के बाद यहाँ पर देखिए क्या करना है, थोड़ा फ्लाइट में डाल देते हैं, डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर कॉपी करने के बाद यहाँ से बैक करके आपको यहाँ पर लास्ट में यहाँ पर सॉन्ग बीट मार्क में चले जाना है। और सॉन्ग बीट मार्क में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर ऊपर के स्क्रॉल कर लेना है। ऊपर के स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर चले जाना है, मैं आपको बताता हूँ 5 इफेक्ट लाइन ये 17.26 तक। ठीक है, 17.26 तक आ जाना है। ठीक है, यहाँ पे 17.26 आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, 17.26 जैसे ही आएंगे फोटो क्लिक करना है इफेक्ट को यहाँ पे पेस्ट पे कर देना है। ठीक है, यहाँ पे फिर से पेस्ट पे जैसे ही करेंगे इसको नेक्स्ट जो फोटो में पेस्ट पे करेंगे तो ऊपर के स्क्रॉल पर जो लास्ट आइकन दिख रहा है इसको बंद कर दीजिए। ठीक है, फिर से यहाँ पर नेक्स्ट फोटो को यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए और छोड़ दीजिए इसको, और फिर से नेक्स्ट फोटो को यहाँ पे पेस्ट पे करेंगे तो इसको बंद कर दीजिए। इस प्रकार से आपको कर लेना है लास्ट तक, बस एक फोटो को छोड़ दीजिए क्योंकि यहाँ पर लग चुका है। और जो हमारा इफेक्ट का जो काम है दोस्तों एकदम कंप्लीट हो चुका है। उसको जो हमारा नंबर आता है वीडियो क्लिप कटिए तो पहले ऊपर कर लेंगे और देखेंगे दोस्तों कहाँ पर नो फोटो मिल रहा है। यहाँ पर नो फोटो मिल रहा है, प्लस क्लिक करना है, वीडियो देना है। और दोस्तों वीडियो का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में रहेगा, उसको डाउनलोड दोनों वीडियो कर लेना है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो ऐसे प्रकार से नहीं लगे सपोर्ट नहीं कर पा रहा है तो दोस्तों वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम होगा। ठीक है, उसको जाकर आप ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ से वीडियो लेके लगाइएगा तो आपको यहाँ पर बैठ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लगाने के बाद तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर लग चुका है। फिर से आपको इधर आ जाएंगे और देखेंगे फ्लैश लाइट भी उसमें है। उसके ऊपर के स्क्रॉल करें तो यहाँ पर भी नो फोटो मिलता है, तो यहाँ पर आ जाएंगे प्लस क्लिक करके मीडिया जाके इस फोटो को ले लेना है। दोस्तों यहाँ पर फ्लैश लाइट में लगा दिया हूँ कि आपको लगाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों हमारा वीडियो एकदम बन के रेडी हो चुका है। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, यहाँ पे प्लस में क्लिक करना है। मैं आपको बॉर्डर बनाना बताता हूँ, एक फोटो लेना है, एक यहाँ पे कोई भी सेफ ले लेना है, जिसकी यहाँ पे मैं इन जापान बताऊँ। प्लस में क्लिक करना है, एक कोई सेफ ले लेना है और इसको यहाँ पे फुल स्क्रीन में कर लेना है और इसका कलर व्हाइट रख लेना है। जो भी आपको बॉर्डर रखना रंग रखना चाहते हैं व्हाइट रख लीजिएगा और ये आइकन से इसको मिला दीजिएगा। ठीक है, मिलाने के बाद आपको क्या करना है, इसके बाद यहाँ पे बैक करके आपको ये प्लस में क्लिक करना है फिर से, और यहाँ पे जो ये वाला शेप मिल रहा है इस पर क्लिक करके आपको एडिट में जाना है। और जो आपको 100 मिल रहा है इस पर क्लिक करके आपको इस प्रकार से आपको इंक्रीज करना है। ठीक है, आपको इंक्रीज करने के बाद आपको बता दूँ नीचे वाला को कितना रख लेना है। नीचे वाला का रख लीजिएगा 1100, इस प्रकार से 65 रख लीजिएगा, 65 के प्रकार से 65 के बाद ऊपर वाला 100 पर क्लिक करिएगा, उस प्रकार से इसको इंक्रीज करिएगा। आपको इतना कर लेना है 1125, 26, 27 इसी प्रकार से कर लीजिएगा। उसके बाद इसको भी हम लोग लास्ट कर तक कर देंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से हो चुका है। और दोस्तों यहाँ पे दोनों को क्लिक करेंगे और दोनों सेप को क्लिक करके जो आपको नहीं वाला 3 नंबर का मिल रहा है इसको क्लिक कर देंगे, यहाँ पर आपका बॉर्डर बन जाएगा। और उसके बाद सेव एंड क्लिक करके एक्सपोर्ट कर लेना, आपका वीडियो एकदम बन के रेडी हो चुका है। चलिए दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा और आपको समझ में नहीं आया कि यार कमेंट कर दीजिए। बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है, यार कमेंट करके बताइए समझ में नहीं आ रहा है तो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट तो हम कमेंट जरूर कर दिए। ठीक है।